सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप क्रिकेट की खबरें देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच दो मैचों की सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और वही ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच अबू धाबी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन एक हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिला। इस मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाजों अजहर अली अजीबोगरीब तरीके से रन आउट हो गए। इस रन आउट को क्रिकेट इतिहास का सबसे बेवकूफाना रन आउट में से एक माना जा रहा है। नजारा कुछ ऐसा था कि खुद बल्लेबाज को भी पता नहीं चला कि वे रन आउट हो गए हैं। दोस्तों, असल में हुआ यह कि पाकिस्तान की दूसरी पारी का 53 ओवर चल रहा था। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पीटर गेंद फेंके रहे थे। इस ओवर की तीसरी गेंद पर बल्लेबाजी कर रहे अजहर अली ने शॉट खेला और गेंद बाउंड्री की ओर जाने लगी। इसी के दौरान अजहर और सफीक पिच के बीच पर ही खड़े होकर आपस में बात करने लगे। दोनों बल्लेबाज बातों में लगे रहे और उधर फील्डिंग कर रहे कीपर को बोल दिया और जब कीपर ने देखा कि दोनों बल्लेबाज पिच से बाहर हैं तो इसका फायदा उठाकर उन्होंने गुलिया बिखेर दी। गुलिया बिखरने के बाद जब ऑस्ट्रेलियाई टीम जश्न मनाने लगी तब दोनों पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पता चला कि आखिर क्या हुआ। कब तक अजहर अली रन आउट हो चुके थे। आउट होने से पहले अजहर ने 64 रन बनाए। दोस्तों, अजहर अली के इस बेवकूफाना रन आउट पर आपकी क्या राय है, इस पर अपने जवाब कमेंट करें और आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।